जैसे कि आज के इस वीडियो में मैं काफी शॉकिंग न्यूज आपको देने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S24 से रिलेटेड। मतलब अब तक काफी अच्छी न्यूज निकल के आई है, लेकिन ये एक न्यूज बैड भी हो सकती है जी। मैं आपको बताऊंगा कैसे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सैमसंग जो है वो अपने फोन में काफी अच्छे अपग्रेड देता है, खास तौर से अगर मैं S सीरीज के बारे में बात करूंगा तो। और इन्हीं अपग्रेड्स में कंपनी जो है वो मेजर अपग्रेड्स और मेजर डिफरेंस जो है वो कैमरा डिपार्टमेंट में लेके आती है। मतलब ये होगा कि अगर इस सीरीज में 3 डिवाइसेस लॉन्च होंगे, 3 अलग अलग मॉडल्स लॉन्च होंगे, तो भाई बेस मॉडल्स में और अल्ट्रा मॉडल में ऑब्वियसली काफी अमेजिंग डिफरेंस रहता है अगर एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो। और अगर आप नई सीरीज को देखोगे तो एज कंपेयर टू ओल्ड सीरीज, नई सीरीज में काफी अच्छे अपग्रेड्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं कैमरा में। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज ये है कि सैमसंग जो है वो अपने फोन में जो प्रोसेसर चिपसेट है वो सेम देती है अक्रॉस द सीरीज। मतलब ये हुआ कि अगर आप S20 सीरीज से भी लेके देख लोगे तो जो भी चिपसेट आपको बेस मॉडल में मिलेगी वही चिपसेट आपको अल्ट्रा मॉडल में भी मिलेगी। इन शॉर्ट अगर आप एग्जांपल ले ले तो S23 सीरीज का, तो S23 में भी हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है और S23 अल्ट्रा में भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है। तो ये चीज गाइस मेरे को काफी अच्छी लगी है। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसी न्यूज है कि सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज में शायद ऐसा हमें नहीं देखने के लिए मिले, क्योंकि जो लेटेस्ट चिपसेट आने वाली है नेक्स्ट ईयर जो लॉन्च होने वाली है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 होगा। और ये जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट होगी ये सिर्फ अल्ट्रा डिवाइस में हमें देखने के लिए मिले। जो बेस मॉडल्स रहेंगे जैसे कि S24 या S24 प्लस, उसमें हो सकता है कि 1 साल पुरानी चिपसेट, विच मींस करंट ईयर की चिपसेट जो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, वो देखने के लिए मिल सकती है। और ऑब्वियसली ये जो न्यूज निकल गई वो मेरे को तो काफी बेकार लगी है, क्योंकि इवन सैमसंग इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ एप्पल। मतलब एप्पल की तरह वो भी जो है ना 1 साल पुरानी चिपसेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है अपने बेस मॉडल्स में। लेकिन गाइस यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता, आप इसके लिए सैमसंग को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। अब रीजन क्या है गाइस, देखिए आगे की डिटेल भी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप बिना सब्सक्राइब करे मेरे वीडियोस को देखते हो, अगर आप सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखोगे तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, क्योंकि रैंकिंग अच्छी होती है वीडियो की तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नए कंटेंट्स डालने का। और गाइस सिर्फ लीक्स और रूमर्स नहीं, बल्कि इसके अलावा हम दूसरे टॉपिक्स के भी वीडियोस बनाते हैं, लाइक टेक्निकल पे अनबॉक्सिंग और ये सारी चीजें। तो प्लीज वो वीडियो हमारे चेकआउट कीजिए, वो वीडियोज में हमारे काफी जबरदस्त होते हैं। सो प्लीज गाइस सपोर्ट अस। देखिए डिजिटल चैट स्टेशन के ऊपर एक लीक निकल के आई थी, जिसमें ऐसा पता लगा है कि क्वालकॉम जो है स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 के प्राइजेस काफी ज्यादा हाई करने वाला है जी। और ये लीक गाइस काफी अच्छे लेजिटिमेट सोर्स से निकल के आई है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब कितने हाई करने वाला है, एक एस्टिमेट निकल के आया है कि जो चिपसेट का कॉस्ट है वो अराउंड 30-50% कंपनी हाई कर देगी, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक डिवाइस जो रहता है उसमें जो मेन कॉम्पोनेंट रहता है वो उसकी चिपसेट रहती है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कंपोनेंट कौन सा रहता है तो चिपसेट रहती है। ऑब्वियसली कैमरा के भी कंपोनेंट्स है और भी दूसरे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पार्ट रहता है वो चिपसेट रहती है। अब कंपनीज अगर चिपसेट ही इतना एक्सपेंसिव परचेस करेगी तो उसके बाद फिर वो सेल आउट कितने में होगा। तो यहां पर गाइस जो बात निकल के आ रही वो है कि क्वालकॉम की तरफ से ही चिपसेट का प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। अब देखिए मैं आपको एक और एक चीज बताता, तो आप डायरेक्टली क्वालकॉम को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वालकॉम भी जब कंपोनेंट्स अपने मैन्युफैक्चर करवा है वो TSMC है। अब TSMC की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग क्वालकॉम को स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो ऑब्वियसली क्वालकॉम को कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है तो वो कंपनी से वसूलेगा। कंपनीज को जब कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि कंपनीज जब चिपसेट्स काफी एक्सपेंसिव प्राइस में परचेस करेंगे तो ऑब्वियसली फिर अल्टीमेटली कौन पेनलाइज होगा, यूजर्स। यूजर्स के लिए जो डिवाइसेस लॉन्च होंगे वो काफी एक्सपेंसिव होंगे। तो यहां पर गाइस मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ये डिसाइड कर सकती है, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंपनी ये डिसाइड कर सकती है 1 साल तक और जो है ना वो स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट नहीं प्रोवाइड करेंगे अपने फोन्स में। विच मींस के जब स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट 1 साल पुरानी हो जाएगी तब उसको अपने फ्लैगशिप फोन्स में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वहीं पर गाइस अगर मैं फ्लैगशिप सीरीज के बारे में बात करूंगा, जो कि खास तौर से सैमसंग की S सीरीज होती है, यहां पर ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि सिर्फ अल्ट्रा डिवाइस में जो है वो स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 हमें देखने के लिए मिले। बाकी अगर दूसरे डिवाइसेस के बारे में देखेंगे तो मतलब गैलेक्सी S24 और S24 प्लस, इसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट देखने के लिए मिल सकती है, जो कि करंट ईयर की चिपसेट है। अब गाइस देखिए यहां तक फिर भी ठीक है, आई बीइंग अ यूजर मेरे लिए कोई इशू नहीं है इसमें। गाइस एक यूजर के हिसाब से इशू कब आता है, क्योंकि सैमसंग का भरोसा नहीं है वो कब एक्सिनस की तरफ चला जाए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी एक्सिनस चिपसेट प्रोवाइड कर दे अपने बेस मॉडल्स के लिए, जो कि काफी बेकार चीज है। मतलब काफी मुश्किल से एक्सिनस से पीछा छुटा था
स्नैपड्रैगन से कंपेयर करेंगे तो एकदम बेकार है, क्योंकि एक्सिनस में ऑब्वियसली काफी सारे इश्यूज आते हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं, उसमें एफिशिएंसी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर स्नैपड्रैगन एजेंट 2 भी प्रोवाइड करता है तो वो भी अच्छा है, बस एक्सिनस या डायमेंसिटी पे नहीं जाना चाहिए। देखिए डायमेंसिटी भी काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप उसको स्नैपड्रैगन से कंपेयर करोगे तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली और स्टेबिलिटी स्नैपड्रैगन की ही बेटर है। और गाइज इनके सैमसंग ने अपने बेस मॉडल्स में भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोवाइड कर दिया, तो हमें अमेजिंगली इसके प्राइस हाइक भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी एक्सपेंस करेगी एक चीज में तो फिर उसके रिटर्न्स कहां से कंपनी एक्सपेक्ट करेगी, यूजर से ही एक्सपेक्ट करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 ही आता है ना तो वो भी बेटर है, बट एक्सिनस नहीं आना चाहिए। व्हाट आर योर थॉट्स इन दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कॉलम, एंड आई एम 100% श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखा होगा। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन।